हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। जैसा कि मैंने वादा किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रेन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल्स एंड ब्रिटल मटेरियल, दोनों के लिए बनाएंगे। पहले हम डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ समझ लेते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि हम जो नए नए वीडियो डालते हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। स्ट्रेन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल, पहले हम आपको ग्राफ बता देते हैं। ये जो ग्राफ है, इसमें वर्टिकल लाइन होती है, उस पर अपन स्ट्रेस दिखाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पर स्ट्रेन दिखाते हैं। ये जो लिमिट है ओ से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ये आपको इस तरह ये दिख रहा है, ये कैसे जनरेट होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए पहले ब्रिटल मटेरियल लेंगे, उस पर एक लोड अप्लाई करेंगे, फिर धीमे धीमे लोड को इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो मटेरियल का वेयर होता है उसको अपन इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जैसे आपको ओ से ए जो पॉइंट दिख रहा है, ये इंक्लाइंड लाइन जो दिख रही है आपको, यह लीनियर रिलेशनशिप बताती है। मतलब यहाँ पर अगर अपन लोड रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर लोड को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जो मटेरियल है रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर क्या होता है, अगर स्ट्रेस की अपन वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ साथ स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ेगी। स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। तो अपन इस तरह रिटर्न करना, ओ से ए, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को और स्ट्रेन, अब जो प्रोपोर्शनल लिमिट का सिंबल, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट लाते हैं। समतु क्या होता है, कैपिटल ई, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। स्ट्रेन को हमेशा ही स्मॉल ई में डोनोटेट करते हैं, इसको याद रखें। इसके बाद जब ए से बी पे पॉइंट पहुंचता है, कहाँ से, ए से बी, तो यहाँ पर भी इलास्टिक लिमिट ही होती है ना, ये देख रहे हैं ए से बी। जब ए से बी पर पहुंचता है तो इलास्टिक लिमिट होती है, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, नहीं रहता है ना, इस बात को याद रखें, क्या लीनियर और रिलेशनशिप नहीं रहता है। इलास्टिक लिमिट ए से बी, ए से बी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। अब कहाँ चलते हैं अपन, पॉइंट बी से सी, पॉइंट बी से सी, ये देखिए अपने यहाँ पर क्या थी, प्रोपोर्शनल लिमिट ए और ए नीचे, बी से सी इलास्टिक लिमिट बट नॉट लीनियर रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं सी की, कहाँ से, बी से सी, पॉइंट सी इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी टू सी, सी पॉइंट मीन्स अपर यील्ड पॉइंट, यील्डिंग मीन्स होता है चेंज इन शेप, जो उसका शेप है उसमें परिवर्तन होने लगता है, और बी से सी के बीच में मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, बी से सी में परमानेंट सेट हो जाता है ना, इसलिए मैंने लिख दिया ये ब्रैकेट में, परमानेंट सेट हो जाता है, कहाँ से, बी से सी के बीच में। अब बात करते हैं डी की, तो डी पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ डाउन हो रहा है, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है और स्ट्रेस की कम हो रही है। सी से डी, पॉइंट डी इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट, यहां पर क्या होता है, स्ट्रेन इज मोर एट पॉइंट डी देन पॉइंट सी, है ना, जो जहाँ पॉइंट सी है
या इसकी तुलना में डी पर स्ट्रेन ज़्यादा होता है, यही इस पॉइंट में लिखा है। स्ट्रेन इज मोर एट पॉइंट डी देन पॉइंट सी। अब बात करते हैं डी सी ई की, कहाँ से डी सी ई की, तो ई पर एक दे रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ई पॉइंट क्या दर्शाता है? मैक्सिमम स्ट्रेस, अधिक इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ दिखाता है? ई पर, है ना। तो डी से ई जो शो कराया था, पॉइंट ई इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस मैक्सिमम एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे क्या होता है? स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ई टू एफ। ई से ई टू एफ देखें। ई टू एफ मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रेस यहाँ से कम हो रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है, और एफ पे जाकर क्या होता है? मटेरियल ब्रेक हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर, कहाँ से? इसे अपने यहाँ पर परमानेंट। अब समझ लें फिर से एक बार, उसे प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसे भी इलास्टिक लिमिट बट नॉट लीनियर रिलेशनशिप। बी से सी यहाँ पर परमानेंट सेट हो जाता है, मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है ना। सी मतलब यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट में मटेरियल का शेप एंड साइज में चेंज होना, मतलब डिफॉर्म होना मटेरियल। सी से डी क्या हो रहा है? डी पे स्ट्रेन अधिक हो रहा है और स्ट्रेस कम हो रहा है। फिर डी से ई, ई पे जब मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच रहा है, उसके बाद अगर लोड बढ़ेगा तो मतलब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा, है ई से एफ ब्रेक फ्रैक्चर हो जाएगा। ई से एफ स्ट्रेस डिक्रीज बट स्ट्रेन इंक्रीज एट पॉइंट एफ द मटेरियल ब्रेक, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रेंड्स ये था हमारा स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो दोस्तों समझ में आया होगा, इसके बाद मैंने ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, आप मेरी प्रॉपर्टीज जो प्लेलिस्ट में जाके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में समझाया है उससे जाके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ डेवलप किया है, इसमें भी अपन ब्रिटल मटेरियल लेंगे, उस पर लोड अप्लाई करेंगे और लोड को धीमे धीमे इंक्रीज करेंगे, उससे जो डेवलपमेंट जो मटेरियल में चेंजिंग आएंगे उसको अपन एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल जैसे आप देख रहे हैं, उसे उसे स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, एकदम कंप्लीट नहीं होती है, जैसे कि अपन ने डक्टाइल मटेरियल में देखा था। तो उसे ये जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली अ प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। फिर ए टू बी, ए टू बी क्या होगा? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज। बी के बाद मटेरियल ब्रेक हो जाता है पॉइंट और फ्रैक्चर होता है। क्या होता है डक्टाइल मटेरियल में? क्या होता है? अपन लोड इंक्रीज करते हैं या फ्रैक्चर होने से पहले ब्रिटल मटेरियल में कुछ चेंजिंग होते हैं, इलोंगेट होता है, इसके बाद एक बॉन्डिंग टाइप की होती है, इससे अपन को मालूम पड़ता है ब्रेक होने वाला है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में इसके अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है? इंटरनल क्रैक्स डेवलप होते हैं और इंटरनल टू एक्सटर्नल मतलब सरफेस की ओर बढ़ते हैं, मटेरियल अचानक क्रैक्स हो जाता है। ब्रिटल मटेरियल डेवलप इंटरनल क्रैक्स फर्स्ट देन द क्रैक्स रीच अप टू द सरफेस, मतलब इसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो डाल चुका हूँ तो उसको आप समझ लें।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को संभालने प्लेलिस्ट में जाके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके थर्ड वीडियो है मेरा, आगे इसका मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा, आप बस देखते रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।